ये सच भी है, ये सच्चाई भी है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पसंद का वो चीज मिले जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो हर लोग नहीं कर पाते हैं, राइट? आपको वो काम करना पड़ेगा जो हर आदमी नहीं कर पाते हैं, तभी वो चीज मिलेगा जो आप चाहते हैं। हर लोगों को नहीं मिलता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आज सबसे पहला काम क्या करना है, लिस्ट बनानी है, कितने लोगों को 100 पीवी कराना है, कितने लोगों को 11% पे ले जाना है, कितने लोगों को फास्ट स्टार्ट 8% कराना है, कितने लोगों को 11-14 पे ले जाना है, कितने को 17 पे ले जाना है, कितने को डायरेक्टर के लेके जाना है, कितने को सिल्वर लेके जाना है। तो ये कब होगा, जब आप नोट डाउट करोगे, डायरी पे नोट कीजिए, क्योंकि बिना सोचे, बिना डिजायर बनाए हुए, बिना आप नोट्स बनाए हुए, आप उस काम को अंजाम सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो मन में होता है कि चलो दे देंगे, लेकिन मन में ध्यान से कभी कभी उतर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वो ध्यान आपका रहे और बढ़िया तरीके से आप उस पर ध्यान देके अपने काम को अंजाम दें, और इस महीना सबसे ज्यादा पीबी, सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम, सबसे बड़ा लेवल आपकी टीम में निकलना चाहिए, आपकी टीम में निकलना चाहिए, आपकी टीम में निकलना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है ये होगा। और हम लोग कनेक्टिविटी एक दूसरे से बनाए रखेंगे, जूम में मजा आ रहा है, आप सबसे मिल पा रहे हैं, आप सबको देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पे 3 से 5 साल डट के काम करना है। और 3 से 5 साल ये नहीं देखना है कि मेरे पास आज कितना इनकम आ रहा है, 3 से 5 साल ये देखना है कि मुझे बिजनेस कितना बड़ा करना है। क्योंकि अगर 3 से 5 साल के अंदर आपने ये देख लिया कि मेरा इनकम कितना आ रहा है, तो मैं कहता हूं बड़ी सफलता आप नहीं ले पाओगे। और बड़ी सफलता के लिए अगर ये सोच लिया कि मेरा टीम कितना बड़ा बनने वाला है, मेरे टीम में लीडर कितना बनने वाला है, मेरा ग्रोथ कितना होने वाला है, तब आपको वो मिलता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। फोकस आपका सक्सेस पे होना चाहिए, यानी कि चेक पे। चेक तो बाय प्रोडक्ट है, चेक तो आना ही है, वो मजबूरी है। आप काम करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, अचीवमेंट बढ़ेगी, तो क्या बालीसर आपका चेक रोक सकता है? चाह के भी नहीं रोकेगा। 11 तारीख को जबरदस्ती आपके अकाउंट में डाल देगा, आप नहीं चाहोगे कि मत दो, फिर भी दे देगा, क्योंकि आपने वो कारनामा किया है जो हर आदमी नहीं कर पाता है। तो इस पर वर्क करिए, क्योंकि शुरू में आज कहां हो आप मायने नहीं रखता, आपको जाना कहां है ये मायने रखता है, राइट? ये सोच के काम करें, लीडरशिप पे काम करें, ट्रेनिंग पे ज्यादा काम करें, और जूम में हर लोगों से कनेक्ट होने का काम करें, इससे काम बहुत ज्यादा होगा आपका, राइट? इससे काम बड़ा होगा, और बड़ा काम के लिए हमें तरीके ढूंढने चाहिए, बड़ा काम के लिए तरीका अपनाना चाहिए। और ये जो पासपोर्ट दिया है आपको, ये सबको दे दीजिए, ताकि हर आदमी कनेक्ट हो जाए मेरे साथ 11 बजे और 3 बजे, दो जो टाइम है, ये टाइम में अच्छी तरीके से वो कनेक्ट हो जाए और बढ़िया तरीके से वो इसको समझ पाए और मेरे से मिल पाएगा। और टेस्टोमोनियो हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि टेस्टोमोनियो जो होगा आपको प्रभावित करता है, आपको ऊर्जा देता है, आपके सफलता को बढ़ाता है, और टेस्टोमोनियो बहुत फायदेमंद होता है आपके लिए भी और आपके जो टीम होता है उनके लिए भी, राइट? तो कुछ बातें हैं, जूम ऐप को सीखना भी है कि हमें चलाना कैसे है, हमें इसमें कहां कहां बटन दाबने हैं, कौन सा माइक से आवाज जाएगी और कौन सा माइक से आवाज आएगी, ये भी आपको समझना है। किससे आपको म्यूट करना है लोगों को, आवाज बंद करना है, किनसे आवाज खोलना है, ये भी आपको जानना है। और उतना ही बोलना है स्क्रीन पे, क्योंकि आपको पूरा इंडिया देख रहा है, आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलने के लिए बोला जाए, राइट? ये सब लीडरशिप के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, और ये क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी पहले से है। तो ये चीज करेंगे तो आपका बहुत ऊर्जा बढ़ेगा,
आपकी भी सफलता बढ़ेगी, आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी अलग चेंज होगा, तो उससे बहुत मजा आएगा आपको काम करने में और बहुत तेजी से आप काम कर पाएंगे, राइट। पूरा इंडिया से आप सबको कनेक्ट कीजिए, जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे का जूम से आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, उनके लिए काम आप कर सकते हैं, उनके लिए मोटिवेट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये जरूरी है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना भी चाहिए।